फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, फोकस इज 1,2 एंड इसेंट्रिसिटी इज √3। ठीक है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना जिसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है एंड इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो हाइपरबोला देखो, यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन लगेगा कि अगर कोई फिक्स पॉइंट एस है, फोकस 1,2 है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर कोई मूविंग पॉइंट है जो हाइपरबोला पर होगा, अगर कोई मूविंग पॉइंट है जो हाइपरबोला पर होगा, ठीक है, तो पी एस, ये पी एस, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स पर जो होगा एम। और हाइपरबोला या कॉनिक सेक्शन, किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए ये डेफिनेशन होता है कि पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, फॉर इसेंट्रिसिटी। पी एस मतलब ये डिस्टेंस, पी एम मतलब इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √3 है, जो 1 से ग्रेटर तो है ही। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे इस हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई हो गया, तो पी एस इक्वल टू ई इन टू पी एम होगा। पी एस मतलब ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना दे दिया है, √3 ना, तो √3 रखेंगे इसेंट्रिसिटी का। पी एम मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2x है ना, तो 2h होगा। यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ 2h प्लस के माइनस 1 बाई रूट अंडर कोफिशेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है इतना। अब देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। और यहाँ पे कितना, 4 प्लस 1 5 का रूट, तो 5 हो गया। और ये हो जाएगा 2h प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो 5 है ये 5 इधर इंटू होगा, तो 5 इधर जब इंटू होगा तो लिखेंगे इसको 5 इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, और ये होगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे, ये होगा 4h² प्लस के स्क्वायर प्लस 1 टू ए बी मीन्स प्लस 4hk, 2bc मीन्स माइनस 2k, 2ac मीन्स माइनस 4h, इतना होगा। ओके, तो अब इसको इंटू करते हैं, तो 5, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस माइनस 2h और माइनस 4k, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, ये दोनों मिलकर हो गया 5 इक्वल टू, इधर भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4h² प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2k प्लस 4hk और प्लस 1, ये है। अब इसको इंटू करते हैं तो ये होगा कितना, 5h² प्लस 5k² माइनस 10h माइनस 20k प्लस 25, ये हो गया एच ये वाला। और ये होगा 12h² प्लस 3k² माइनस 12h माइनस 6k प्लस 12hk प्लस 3। तो 5h² माइनस 12h², अच्छा इधर ही ले जाते हैं, ज़्यादा है ना, 12h² और माइनस 5h², तो ये होगा 7h², अच्छा 3k² माइनस 5k², तो माइनस 2k² होगा, और एच के तो प्लस 12hk है। अब देखो माइनस 12h और ये प्लस 10h, माइनस 2h बचा, माइनस 6k और प्लस 20k तो प्लस 14k है ना, 3 माइनस, अच्छा इक्वल टू लिख देते हैं, तो 25 माइनस 3 ये बचा 22। अब लोकस फाइंड करने के लिए लास्ट में एच को एक्स और के को वाई रखा जाता है ना, तो इक्वेशन आ जाएगा 7x² माइनस 2y² प्लस 12
एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 14y = 22। तो यही हो गया हाइपरबोला का इक्वेशन, यही हम लोग को लाना था हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा, फोकस दिया रहेगा और इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा, तो यही फार्मूला अप्लाई करना, PS / PM = E, जो कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन होता है। ओके।